आगे की तरफ लोग रेडी चलो पहले थोड़ा सा आगे आ जा ये वाला तू अभी रियल लुक तू निखिल आ जा वो हाथ पकड़ उसका ओके मैं इंट्रोडक्शन कैरेक्टर का नाम निखिल सूद है ये दूसरी बार मैं अपने ही नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ हर कोई कहता है हटके है लेकिन ये रियली आई थिंक जो नरेशन दिया है थोड़ा हटके है ये डायरेक्टली पॉजिटिव या आउटराइट नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है लेयर्ड कैरेक्टर है और एज आई सेड उथल पुथल क्रिएट करेगा काफ़ी रिलेशनशिप्स में जो कुमकुम भाग्य में ऑलरेडी हैं तो निखिल की एंट्री कैसे हुई है इस शो में? निखिल की एंट्री पूरब नाम का जो कैरेक्टर है ऑन अ कॉरपोरेट लेवल उसके साथ डीलिंग्स जो पहले हुई थी और वो अभी का बहुत अच्छा दोस्त है तो उसके थ्रू फैमिली में एंट्री होती है फिर थोड़ी बैक स्टोरी मेरे ख्याल से हो सकती है तनु के साथ एग्जैक्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स मैं आपको नहीं बताऊंगा बट बहुत इंटरेस्टिंग है जो फर्स्ट शॉट में तनु के साथ थोड़ी कांटेक्ट हो गई है तो क्या फीलिंग्स कुछ जागी है उसको मेरा फीलिंग्स तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी हैं उसके लिए अभी सीरियस हैं या नॉट सीरियस वो बाद में रिवील होगा लेकिन मेरी एंट्री ये नहीं थी मेरी एंट्री ऑफिस के थ्रू थी मतलब मेरा फर्स्ट शॉट ऑफिस का होगा तो क्या आपकी जो एंट्री हुई है टेम्पररी बेस या लॉन्ग टर्म शॉट है शो में जितना प्यार आप देंगे जितना प्यार मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए मिलेगा जैसे डेली सोप में होता है वैसे ही लेकिन चार पाँच महीने का तो स्ट्रॉन्ग ये है क्योंकि काफ़ी इसके काफ़ी कांड करने वाला है ये बंदा और काफ़ी स्टोरी में इफेक्ट लाने वाला है वेल एक नई एंट्री है हमारे शो में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग ट्रैक दैट इज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड आई विश निखिल ऑल द बेस्ट बहुत मज़ा आएगा ये शो में हमको भी और उनको भी एंड बस मस्ती करेंगे हम निखिल और तन्नु की पहली मुलाकात में कुछ ट्विस्ट सा नज़र आ रहा है नहीं स्टोरी कहाँ जाने वाली है ये दादी की तरफ जाने वाली है दादी जो है वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा मेरा बेटा आएगा तो उनके उनका जो बेटा है वो आ गया है मतलब आगे चल के कुछ काफ़ी मतलब रोमांचक होने वाला है हाँ क्योंकि ये जो आ रहे हैं ये ना सिर्फ दादी के बेटे हैं बल्कि दादी के पापा भी हैं तो एक डबल ट्रैक है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे बेटा बाप बन जाता है